अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन रारा बनाने की रेसिपी। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा हमारा चिकन रारा बनकर तैयार हुआ है। और सच मानिए, इसकी ग्रेवी तो बहुत ही लाजवाब होती है, लेकिन जब आप इसको एक बार बना लेंगे तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। ये इतना टेस्टी बनता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा 250 ग्राम लिया है, और ये हमारा एक साबुत चिकन है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। और 2 चम्मच यहाँ पे मैंने दही डाला है। इसे डाल के अच्छे से हाथ से इसके ऊपर दही को नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है चिकन को, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे साइड में। और यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे, और अब इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है 150 ग्राम, और 2 तेज़पत्ता है, 1 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 हरी इलायची, 2-3 लौंगे हैं। हल्का सा इसे ऑयल में सॉटे करेंगे, और अब इसमें डाल देंगे स्लाइस किया हुआ, बारीक चॉप किया हुआ प्याज। इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, तो हमें इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ये देखें, बस इसी तरीके का। तो प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1-1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको प्याज के साथ भून लेंगे। सच मानिए, इसकी ग्रेवी तो बहुत ही लाजवाब होती है, लेकिन जब आप इसको एक बार बना लेंगे तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। और यहाँ पे डाल देंगे सूखा मसाला, धनिया पाउडर है 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच है, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच है, हल्दी पाउडर 1 चम्मच है, और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच है। इसे डाल के भी हम मसाले को भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जो है वो जले ना। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, और अच्छे से मसाले को भून लेना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें डाल देंगे पीसी हुई टमाटर, आप चाहे तो चॉप करके भी डाल सकते हैं, पर पीस कर डालने से ग्रेवी अच्छा बनता है। और इसे भी हम मसाले के साथ 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे भूनते हुए। तो ये देखिए, मसाला रेडी हो चुका है। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। खूब अच्छे से मैंने मसाले को भून लिया है। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे, और मसाले के साथ अच्छे से फिर से मिक्स कर लेना है ताकि मसाला चिकन पे अच्छे से कोट हो जाए। चूल्हे के फ्लेम को हाई रखिएगा, क्योंकि दही जो है वो पानी छोड़ता है, तो इसे हमें ड्राई कर लेना है। तो देखिए, मैंने मसाले के साथ चिकन को मिक्स कर लिया है, भून लिया है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। तो आइए चेक करते हैं, 2 से 3 मिनट मैंने इसे ढक के पकाया। चिकन जो है अपना कलर चेंज कर चुका है, और ये थोड़ा श्रिंक हो चुका है। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे कीमा, और कीमे को भी बढ़िया से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैंने कीमे के साथ मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसे भी हम हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट खोल के इस तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे। उसके बाद इसे हम ढक देंगे। तो इस वक्त आप इसे ढक दीजिएगा ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए, 5 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पर ढककर पकाया। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं इसका ग्रेवी कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, और चिकन जो है बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। तो इसके लिए अब एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, और ये 1 छोटा चम्मच काली मिर्च है, 3 लौंग है, 10 से 12 वाइट पेपर है, और ये जावित्री का फूल है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, हरी इलायची 3 है, और छोटा टुकड़ा जायफल का है। तो इन सबको मैंने रोस्ट करके इस तरह से पाउडर बना लिया है। तो आप भी बना लीजिएगा। और इस तरह से इस वक्त ही हमें इस मसाले को डालना है, जो कि इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस मसाले से। तो ज़रूर से इस तरह से बना के डालिएगा, जिससे कि आपका चिकन रारा बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा। तो मसाला डाल के बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसकी खुशबू जो है मसाले में बहुत ही मज़े की आती है इसकी ग्रेवी के साथ। तो ये देखिए, अच्छे से चिकन जो है वो भुन चुका है। मसाला डालने के बाद इसे हाई फ्लेम पे करके मैंने इसे भून लिया है,
और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक कप ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसका ग्रेवी थिक ही रहता है, ज़्यादा पतला नहीं रहता है। तो ये भुन चुका, आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, बबल्स ऑयल में आ रहे हैं, यानी कि आपका सालन वो भुन चुका है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे पानी, एक से डेढ़ कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद एक बार अच्छे से चला लीजिएगा ऊपर नीचे। उसके बाद हमें इसे मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे छोड़ देना है। तब उतने में ही ये हमारा चिकन जो है अच्छे से रेडी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी है, आप सब ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, पर बनती बहुत ही लाजवाब है। तो देखें 3 से 4 मिनट बाद ये देख लीजिए आप कितना ज़बरदस्त सा हमारा चिकन राड़ा बनकर तैयार हुआ है। इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का है। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे अमूल फ्रेश क्रीम, आप चाहे तो दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम ना हो तो आप दूध की मलाई को अच्छे से फेंट लीजिएगा, उसमें कोई भी गुठली ना हो, और उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिएगा। इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छा, ग्रेवी में बहुत ही अच्छा थिकनेस आता है और खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। तो क्रीम डाल के हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो क्रीम डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लो फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट पकाना है ढक के। इसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और 2-3 मिनट बाद इसे हम खोलेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त है इसका ग्रेवी तैयार हुआ है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए माशाल्लाह, हमारा सुपर टेस्टी चिकन राड़ा बनकर तैयार हो गया। बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी है, देखा आपने कितना झटपट से ये बनकर तैयार हो गया। बहुत ही कम मसालों में ये बनकर तैयार होता है, पर बनते बहुत ही मज़े की है। आप इसे रोटी पराठे नान चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है। तो ट्राई कीजिएगा ये मसालेदार चिकन राड़ा की बेहतरीन रेसिपी, इसे बनाना काफ़ी आसान है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरीके की सिंपल आसान रेसिपी के साथ। थैंक यू।